पंजाब सरकार द्वारा समूह मेहनतकश लोगों के अधिकारों को कुचलने की नीयत से लागू किए काले कानून ऐस्मा खिलाफ ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा पंजाब की तरफ से जिला स्तरीय अर्थी फूक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पंजाब के रेगुलर इनलिस्टमेंट आउटसोर्स ठेका मुलाजिमों समेत समूह मेहनतकश वर्ग केंद्र और पंजाब सरकार की कॉरपोरेट पक्षी नीतियों से नहीं बचा है, इसलिए कर्मचारियों के खिलाफ लागू किए ऐस्मा कानून का विरोध करते हुए पूरे पंजाब में और केंद्र सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अज का जो पूरे पंजाब के अर्थी फूक मुजहरा है, ये ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के बैनर हेठा पूरे पंजाब के कॉल की सी कि 5 सितंबर को असी जो ऐसमा कानून सरकार ने लागू किया पंजाब के असी इसके विरुद्ध अज अर्थी फूक मुजहरा किया है। तो असी सरकार ये दसना चाहते हाँ कि इस जो तुम कानून लागू किया, ये कानून लागू करने के नाल साडा मसला हल नहीं होना, ना तुहाडी इह जान छुटनी है। जदों तक इन्हां वर्करां दा मसला हल नहीं करोगे, असीं पिछले लंबे समय तो 10-10, 15-15 सालों तो निगुणियां तनखावां ते असीं अपने अपने विभागां विच सेवावां निभा रहे हाँ, अते जो सरकार ने एक कानून लागू किया है, असीं इस अर्थी फूक मुजहरे दे विच सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि जेकर इह जो ऐसमा कानून है ये वापस ना लिआंदा तो आने वाले समय के तेज और तिखा संघर्ष किया जाएगा पंजाब सरकार के बरखिलाफ। और जो सीएम साहब ने साढ़े ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे 16 बार मीटिंग का समा दे के एन मौके पर जो साढ़े आगू उत्थे पहुँचते हैं चंडीगढ़ विखे एन मौके पर जाके तो जी मीटिंग है उन्होंने पोस्टमार्टम करते हैं। इसलिए असी सीएम साहब को दसना चाहते हाँ कि तुम कि साढ़े बंद परेशान करोगे, किन्नी की मीटिंग कैंसल करोगे, आखिर तुम्हें ये मीटिंग साढ़े नाल बह के गलबात करनी पैनी है। इसलिए असी अज इसे पठानकोट के सारे साढ़े जिले के वर्कर साथी इकट्ठे हुए हैं, असी दसना चाहते हैं पंजाब सरकार को कि जो तुम ऐसमा कानून लागू किया इसको वापस लिया जाए। अज का जो प्रोग्राम ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के बैनर हेठा पूरे पंजाब सरकार का जो अर्थी फूक मुजहरा कर रहे हैं, इसका कारण यह भी जो पंजाब मुख्यमंत्री हंकारी मुख्यमंत्री है जिसने पंजाब दे विच सरकारी कर्मचारियों के ऐसमा जिहड़ा कानून लगा के वो लागू किया, वो विरुद्ध भी अज पठानकोट के जो ठेका मुलाजम के वर्कर ने इन्होंने अर्थी फूक मुजहरा किया और सरकार को चेतावनी दें भी जो अपना एक कानून वापस ना लिया तो आने वाले समय संघर्ष होर भी तिखा किया जाएगा। ज़्यादा हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप छलारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।